नमस्कार दोस्तों, उम्मीद आप सब होंगे। गंभीर एरा की शुरुआत जिस तरीके से हुई है, मतलब अनबिलीवेबल के साथ साथ आप ये भी कहेंगे कि अनप्रेडिक्टेबल। पहले T20 में श्रीलंका जो है 30 रन के अंदर कोलैप्स कर जाती है, उसको 9 विकेट दे देती है और मैच हार जाती है। अच्छा खासा उनके पास बढ़त था। देन दूसरे T20 में भी सेम होता है, उनके पास पूरी विकेट बची रहती है, वहाँ भी ये लोग 27-28 रन में कोलैप्स करके हार जाते हैं। अभी आता है 30 रन 30 बॉल पे, वही वर्ल्ड कप का फाइनल जहाँ रोहित ने अपनी कप्तानी के दम पे हमें ट्रॉफी जिताई थी। उस टाइम जो है रोहित की वाई वाई हुई, पांड्या की, हार्दिक पांड्या प्लस बुमराह सबकी। बट आज का मैच ऐसा था कि श्रीलंका को एक टाइम पे 30 बॉल पे 30 रन चाहिए था, प्लस उसके जो है 9 विकेट हाथ में थी, एक ही विकेट गवाया था उसने। देन जो हमारे कोच और कैप्टन दोनों का जो मास्टरमाइंड काम आता है, क्योंकि श्रीलंका अगर 137 का स्कोर में इंडिया को रोकी थी तो सिर्फ पिच के वजह से, क्योंकि पिच जो है टर्न हो रहा था और उन्होंने आज पथिराना को एक भी ओवर नहीं डलाया। पथिराना ने बॉलिंग ही नहीं की, फील्डिंग किया लेकिन एक ओवर बॉलिंग भी नहीं किया पथिराना ने। सिर्फ श्रीलंके कम से कम श्रीलंका के जो है 3 स्पिनर ने तो बॉलिंग की है, रमेश मेंडिस, कमेंदो मेंडिस, आई मीन 4 स्पिनर, हसरंगा, तिक्षणा सबसे अच्छा बॉलिंग किया, यहाँ तक कि उन्होंने 20वां ओवर भी वही डाले थे। और इंडिया की तरफ से जो है हमारे रवि बिश्नोई जो 15 ओवर से पहले अच्छे पिट रहे थे और पिट चुके थे, वाशिंगटन सुंदर ने भी रन कम दिए बट विकेट वो भी नहीं निकाल पाए थे। अब जिस तरीके से 30 में 30 चाहिए था, वो रिजल्ट ऐसा आ जाता है कि आपको 6 बॉल में जो है 6 रन चाहिए। और वहीं पे भी जो हमारा लास्ट ओवर कौन डालता है, सूर्या। अब उससे पहले की बात करें, जब 30 में 30 चाहिए रहता है तब आते हैं बिश्नोई और 2 विकेट लेते हैं, बिश्नोई 1 विकेट लेते हैं, चले जाते हैं। देन और एक चेंजिंग ओवर आता है, वाशिंगटन सुंदर, वो आते हैं, वो भी 2 विकेट लेते हैं, मैच में और पकड़ बना लेते हैं। फिर आते हैं 17वां ओवर फेंकने खलील अहमद, जो यार ये मोहम्मद अमी की याद दिला देते हैं, मोहम्मद अमी रोई जो पावर प्ले में 4 वाइड फेंका था, तो इसमें भी खलील अहमद ने 3-4 वाइड फेंक दिए रन बचाने के चक्कर में, और उसे बचाने के चक्कर में इन्होंने 10-11 रन दे दिए जो नहीं देना था। बट उसके बाद 12 बॉल में चाहिए रहता है 9 रन, और हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन रहता है, सिराज का एक ओवर बचा रहता है, खलील का भी बचा रहता है, तो सिराज को हम सोच रहे सिराज को बॉलिंग मिलेगा, लेकिन सिराज को बॉलिंग नहीं मिला, बॉलिंग मिलता है रिंकू सिंह को। रिंकू सिंह को आज तक हमने कभी बॉलिंग करते हुए नहीं देखा, वो बंदा पहली बार बॉलिंग करता टफ सिचुएशन में, अभी 19वां ओवर में जहां 9 रन डिफेंड करना है, उसी टाइम पे 3 रन देके 2 क्रूशियल विकेट निकाल लेता है। मतलब इससे बेहतर बॉलिंग और बेहतर जो माइंडसेट आज तक हमने नहीं देखा किसी कप्तान का या किसी बॉलर का। ये तो एक नया ऑलराउंडर पैदा हो गया टीम इंडिया में रनिंग मैच में। देन आते हैं 20वां ओवर फेंकने सूर्या खुद, एक टाइम पे लग रहा था कि शायद 20वां ओवर तो कम से कम सिराज डालेंगे, लेकिन सिराज को नहीं दिया, उन्होंने खुद बॉलिंग किया और इसी ओवर में भी 2 विकेट निकाल लेते हैं और मैच को टाई करा देते हैं। टाई नहीं होता अगर वो 5वीं बॉल का जो रन आउट अगर हो जाता तो सूर्या के सामने रन आउट हो सकता था, बट वो कीपर को बॉल फेंक दिए। बट जो माइंडसेट सूर्या ने लगाया पिच के हिसाब से, जो स्पिनर यूज किए, जो कभी बॉल नहीं फेंके, वो बॉल फेंक के 2-2 विकेट निकाल रहे हैं। इनफैक्ट हमारे जो अभी की डेट में तो रेगुलर स्पिनर रियान परा गए, रियान परा को भी विकेट निकला लेकिन बॉलिंग अच्छी की। अब मैच टाई होने के बाद तो इतना हमको कन्फर्म हो गया कि मैच जो है हमारा, हम जीत गए। बट जब सुपर ओवर जैसे ओवर में वाशिंगटन सुंदर को बॉल मिलता है, वो बंदा मात्र 2 रन देके 2 विकेट निकाल लेता है, मैच वहीं ख़त्म। अब सुपर ओवर का इंडिया जब आता है तो एक ही बॉल में चौका मार के मैच जीत जाते हैं। एक सिचुएशन ऐसा था जब रिंकू सिंह विकेट लेते तो हमने फर्स्ट टाइम देखा कि गंभीर के चेहरे पे स्माइल, बंदा बीच मैच में हंस रहा है, इतना खुश, मतलब एक्सपेरिमेंट काम आ गया। बट सन्नत जयसूर्या का शकल पूरा उतरा हुआ था, इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप विनर हो, एक टीम को मतलब मैनेज कर रहा लेकिन कोई खिलाड़ी साथ नहीं दे रहा है, और
होम ग्राउंड में दो मैच हारने के बाद टीम इस तरीके से कोलैप्स कर रही है, बैक टू बैक तीनों मैच में बराबर खेल के हारी श्रीलंका। मतलब इससे बेहतर कोई टीम नहीं खेला हुआ, यहाँ तक कि शायद बांग्लादेश भी इससे बेहतर ना खेला हो, इससे बेकार नहीं खेला होगा बांग्लादेश। श्रीलंका ने बहुत बेकार खेल खेला, लेकिन तारीफ बनती है हमारी क्रिकेट टीम की, क्योंकि आज के मैच में हमने चार सीनियर खिलाड़ी को रेस्ट दिया था। ऋषभ पंत को रेस्ट दिया था, और हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिए थे, अर्शदीप सिंह को रेस्ट दिया था। वो बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट देने के बाद भी हमने कुछ नए खिलाड़ी इंट्रोड्यूस, आई मीन अक्षर पटेल भी रेस्ट में थे, जो हमारे बेंच खिलाड़ी थे उन्होंने मैच जीता था। इसका मतलब ये कि हमारा जो बेंच का स्ट्रेंथ है ना, मजबूत है पूरा। जो 15 खिलाड़ी है उसमें से 15 के 15 सुपरस्टार, मतलब हर कोई जो है मैच विनर है। अब इससे बेहतर शुरुआत गंभीर के लिए नहीं हो सकता, तो ये गंभीर एरा की जिस तरीके से शुरुआत हुई इससे बेहतर और नहीं हो सकता। अब लगता है पूरे वर्ल्ड कप अपना ही आएगा और गंभीर जो है लेके ही आएंगे। बट सूर्या एज कैप्टन बहुत अच्छी कप्तानी की, बहुत अच्छे खेले। संजू ने थोड़ा डिसपॉइंट किया, बट कोई बात नहीं, क्योंकि पीछे रिटर्न होना था, उसकी गलती नहीं है, इट्स ओके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जैसे